जय हिंद। मैं मानिक नायक आप सबको अपने YouTube चैनल पर वेलकम करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे जो हमने RRB NTPC के रिगार्डिंग जो कट ऑफ के रिगार्डिंग हम लोगों ने जो वीडियो बनाया था उस पर बहुत लोग कमेंट किए हैं कि नंबर इस तरह रहेगा तो क्या रहेगा। नंबर मैंने ऑलरेडी सब जोन का कट ऑफ बता दिया है, अगर आपका उस नंबर में पड़ रहा है तो आपका सिलेक्शन हो सकता है, चांसेस है, और फुली तो नहीं कह सकता लेकिन आपको चांसेस हो सकता है, चांसेस होगा ही, बिल्कुल होगा। और यहाँ पे जो मैंने आपको तर्क भी बताए थे क्या 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 रीज़न हो सकता है, रैंक IQ का क्या इफेक्ट है वो भी मैंने बताया था। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो मैं चलिए देखता हूँ कमेंट आप लोग के। तो यहाँ पे हम लोग मैं कुछ कमेंट्स को यहाँ पे लिया हूँ, वहाँ पे जो भी कमेंट आते हैं जो भी दो दिन हो जाते हैं तो उन कमेंट का मैं जवाब देता हूँ। तो सबसे लास्ट से स्टार्ट करते हैं। लास्ट में कमेंट जो है हमारे मित्र अमित राज का है। तो अमित राज कह रहे हैं रिपोर्ट मारो, इसको मिसलीड कर रहा है। देखिए मिसलीड तो नहीं कर रहा हूँ लेकिन आपको एक फैक्ट ही बता रहा हूँ कि आपको एक बार आप चेक कर लीजिएगा कि आपका जो कट ऑफ जाएगा कम ही जाएगा आपका। जैसे कि मैंने कहा है कि सबसे ज़्यादा कट ऑफ लेवल 6 लेवल 5 पे रहेगा और सबसे कम कट ऑफ लेवल 2 में आएगा, उससे थोड़ा आपका लेवल 2 में सबसे कम कट ऑफ रहेगा। तो ये रियलिटी होगा, कैसे होगा कैसे नहीं होगा लेवल, और वो भी जो है मैंने बताया है कि आपको डिस्क्रिप्शन में डिटेल एनालिसिस के साथ बताया हूँ कि लेवल 2 का कट ऑफ क्यों जाएगा। फिर भी आप नहीं कह सकते तो वेट कीजिए, आपको पता चल जाएगा रिजल्ट में कि लेवल 2 का कट ऑफ क्यों कम रहेगा, लेवल 2 और 3 का कट ऑफ कम जाएगा लेवल 5 और 6 से। ठीक है, नेक्स्ट कट ऑफ है हमारा किशोर कुमार का। वो बोल रहे हैं कि RRB सिकंदराबाद में उनका लेवल 3 में 87 पॉइंट आ रहा है तो मेंस रिजल्ट होगा क्या? हाँ बिल्कुल होगा, इतने नंबर पर मेंस रिजल्ट नहीं होगा तो किसका होगा, बिल्कुल हो जाएगा, श्योर रहिए। नेक्स्ट है दुर्गेश मिश्रा है, कह रहा है भैया लेवल 3 में 91 नंबर आ रहा है, अनरिजर्व जनरल कैटेगरी से है, रांची जोन में है, क्या चांसेस है? देखिए इतना अच्छा नंबर आ रहा है, ऐसा नहीं कि 91 हर कोई कहा जाता है, नहीं बहुत कम का आता है, और आपका चांसेस है 91 नंबर पर नहीं होगा तो अब कितना 100 लाना पड़ेगा क्या, आराम से हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है 70 एसटी कैटेगरी हो जाएगा जी, एसटी कैटेगरी है हो जाएगा। नॉन टाइपिंग पोस्ट हो चाहे टाइपिंग पोस्ट, आपको टाइपिंग करना ही करना है तो आप कोशिश कीजिएगा टाइपिंग वाले ले लें, क्या पता नॉन टाइपिंग मिले ना मिले, तो इसलिए टाइपिंग पोस्ट आपको यहाँ पे 70 पे चांसेस है कि हो जाएगा, 70 पे चांसेस हो जाएगा, आप टाइपिंग पे रिस्क मत लें, टाइपिंग स्टार्ट कर दें। नेक्स्ट है हमारा साइको सर, साइको को क्या क्या रूल होता है ऐसे बोलते तो स्कोर क्लियर कर दो ना। तो पूरा का साइको का नंबर थोड़ी ऐड हो रहा है, जो भी मैंने बताया वो क्लियर है और वो जो है आपका फाइनल ही मेरिट लिस्ट, फाइनल मेरिट लिस्ट का है। तो इसमें से आपको साइको का कोई टेंशन नहीं, बस आपको साइको का क्वालिफाई करना है। साइको क्वालिफाई कीजिए, जो आप जो मैंने नंबर बताया उसके बीच में आ रहा है, उसके रेंज में आ रहा है तो आपका चांसेस बन जाता है। नेक्स्ट है हमारा अलाहाबाद जोन में है, या अलाहाबाद जोन से है और कैटेगरी OBC है और लेवल 5 में 79 है एंड लेवल 3 में 87 है। लेवल 3 बहुत अच्छा मार्क्स आया है। एनी चांस फॉर नॉन टाइपिंग पोस्ट? हाँ जी बिल्कुल चांसेस है, आपका चांसेस है पूरा कि आपको नॉन टाइपिंग पोस्ट मिल जाएगा। लेवल 3 में 87 से कम ही रहेगा कट ऑफ, टेंशन मत लीजिए। नेक्स्ट है मनोज कुमार सिंह है, अलाहाबाद जोन से हैं, अलाहाबाद जोन में है, इनका OBC से ही है और ये L5 में 84 आ रहा है, L5 में इनका 84 आ रहा है अलाहाबाद जोन से, L3 में इनका 87 आ रहा है और L2 में 83 आ रहा है, तो अच्छा नंबर चांसेस है। और पूरा जो यहाँ पे देख लेता हूँ पूरा क्या लिखे हैं कि 4% चांस ऑफ नॉन टाइपिंग पोस्ट, चांसेस पूरा है, चांसेस पूरा आपका नॉन टाइप, इतने मार्क्स पे नॉन टाइपिंग पोस्ट आपको मिल जाएगा, लेकिन क्या फायदा आपको लेवल 5 में ही मिल जाएगा, आपको लेवल 5 में ही मिल जाएगा तो आप टाइपिंग के लिए रेडी रहिए। नेक्स्ट है आकाश कुमार है, लेवल 5 में OBC कैटेगरी में आते हैं और 77 नंबर आ रहा है, इनका क्या गुड्स कार्ड मिल सकता है अगर मेरा मेडिकल स्टैंडर्ड A2 होगा तो? हाँ जी बिल्कुल, अगर A2 मेडिकल स्टैंडर्ड है तो आपका गुड्स कार्ड यहाँ पे मिलने के चांसेस है। अपना जोन भी बता देते कौन सा जोन था तो वो भी अच्छा रहता कि वहाँ पे गुड्स कार्ड की कितनी वैकेंसी है। जैसे अगर अलाहाबाद, अच्छा चेन्नई जोन है, हाँ चेन्नई जोन में आपका गुड्स कार्ड का भी वैकेंसी ठीक ठाक है और A2 मेडिकल स्टैंडर्ड है तो आपका आराम से गुड्स कार्ड मिल जाएगा, पहले एक बार चेक कर लीजिएगा अच्छे से। अब ये कह रही है आपका किरण सिंह है, ये कह रही है कि बिलासपुर जोन OBC कैटेगरी में आती है, लेवल 5 में 72 नंबर आया है, लेवल 3 में 86 बहुत अच्छा नंबर है, लेवल 2 में 82 बहुत अच्छा नंबर है, चांसेस है पूरा चांसेस है आपका लेवल 3 और लेवल 2 में पूरा चांसेस है कि आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रियांशु राज बोल रहे हैं मेरा सिकंदराबाद जोन है, अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं और लेवल 5 में इनके 83 मार्क्स है, बहुत अच्छा मार्क्स है, हाई नॉन टाइपिंग पोस्ट के लिए सेफ हुआ या नहीं? बिल्कुल सेफ है, नॉन टाइपिंग पोस्ट के लिए बिल्कुल सेफ है और लेवल 5 में मिल जाएगा आराम से, लेकिन आपको टाइपिंग के लिए भी कोशिश करना है कि टाइपिंग पोस्ट के लिए भी आपको लेना है क्योंकि आजकल समझ ही सकते हैं आपको टाइपिंग पोस्ट के लिए मेहनत करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट है भाई टाइपिंग में क्या लगता है आपको, आसान
आसान है, कितना लोग पास कर पाएंगे। देखिए टाइमिंग मिलेगा तो सबको ही पास कर जाएगा, टाइमिंग मिलेगा तो सबको ही पास कर जाएगा, टाइमिंग में नहीं मिलेगा तो बहुत लोग फेल करेंगे, इस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अगर 2 महीना टाइमिंग मिलता है तो आराम से बहुत लोग फेल पास कर जाएंगे, अगर 1 मंथ मिलेगा तो आपको टाइपिंग में थोड़ा 50% जाते कि लोग फेल करेंगे, लेकिन मेरे ख्याल से जो आपको जो लेंगे वो टाइमिंग आपको मिलेगा ही मिलेगा। नेक्स्ट है यहाँ पे आपका गुड्स कार्ड कट ऑफ जो है, इनका यहाँ पे बोल रहे हैं L5 में EWS कैटेगरी में जोन सिकंदराबाद जोन है और 79 आ रहा है, यानी L5 में पूछ रहे हैं, लेवल 5 में EWS कैटेगरी है और सिकंदराबाद जोन है, 79 आ रहा है, गुड्स कार्ड के लिए क्या चांसेस है। गुड्स कार्ड का वहाँ पे वैकेंसी बता देते तो अच्छा रहता, अगर गुड्स कार्ड की वैकेंसी अच्छी है तो यहाँ पे चांसेस हो जाएगा कि यहाँ पे आपका हो सकता है, क्योंकि A2 मेडिकल स्टैंडर्ड ये भी फुलफिल करना है, तो बहुत लोग के जो है A2 मेडिकल जो है आपका फुलफिल नहीं हो पा रहा है, स्पेशली मेरे फ्रेंड जो मैं तो बहुत कम का ही A2 मेडिकल फिट हो रहे हैं, बाकी तो खैर चलिए। भाई मेरा इलाहाबाद जोन है, अभी कुमार कह रहे हैं इलाहाबाद जोन, इनका कैटेगरी PWD है, मार्क्स 70 आया हुआ है, लेवल 2, क्या कोई मेरिट लिस्ट में चांसेस है? पूरा चांसेस है, PW कैटेगरी में कोई भी नंबर आ जाए 50 से ऊपर है आपका चांसेस बन जाएगा। नेक्स्ट है सिलीगुड़ी जोन से 70, कोई चांस है? तो यस, सिलीगुड़ी जोन से 70 पे चांस बन सकता है, 70 पे चांस बन सकता है, वहाँ पे आपका एक वो मॉडरेट जोन आता है इसलिए सिलीगुड़ी में चांस बन सकता है। नेक्स्ट है राहुल शर्मा बोल रहे हैं कि लेवल 3 में 86 अनरिजर्व कोलकाता है, कुछ चांसेस है? कुछ नहीं, पूरा चांसेस 50 से 70-80% चांसेस है कि आपका हो जाएगा, 86 नंबर कम नहीं होता है, लेवल 3 में 86 आ रहा है तो आपके पास चांसेस है, और आपको पता ही है क्या लेवल 2 में कोलकाता में 1200 के आसपास लेवल 5 में वैकेंसी है, तो जितने लोग लेवल 5 में वहाँ से निकल जाएंगे तो टॉप क्रीम वाले पार्ट जो है आपका लेवल 5 में चले जाएंगे, तो बचता है लेवल 3 का कट ऑफ, उससे भी कम जाएगा, तो लेवल 3 का कट ऑफ कम जाएगा तो समझिए कि आपका चांसेस है उसमें। नेक्स्ट है सर वैकेंसी भी इंक्रीज होना चाहिए, 3 ईयर में ग्रुप D में 1 लाख है, ग्रुप डी कोई पोस्ट थोड़ी है, वैकेंसी भी इंक्रीज होना चाहिए 3 ईयर में ग्रुप D में 1 लाख है, तो ग्रुप डी ऐसे भी नीचे वाला पोस्ट है तो क्या करेंगे 1 लाख लेके, इससे अच्छा ऊपर वाला पोस्ट लीजिए, तो ग्रुप D का आप सोचिए मत, ग्रुप D का। ठीक है, नेक्स्ट है राजू बुकिया है, लेवल 5 में 69 नंबर आ रहा है, ST से हैं, सिकंदराबाद जोन है, क्या चांस है नॉन टाइपिंग पोस्ट के लिए? चांसेस है, ST कैटेगरी में चांसेस हैं। नेक्स्ट है देखिए SC कैटेगरी हो, ST कैटेगरी हो, SC हो चाहे EWS हो, आपका चांसेस बनता है हर जोन में। नेक्स्ट है निशांत कुमार है, लेवल 3 में इनका 77 नंबर आ रहा है, EWS कैटेगरी है, चेन्नई जोन, क्या सर मेरा कंफर्म होगा सिलेक्शन? तो हाँ जी हो जाएगा, EWS कैटेगरी में आराम से हो जाएगा, अगर वही OBC रहता तो चांसेस थोड़ा सा रहता, लेकिन आपका यहाँ पे आपका चेन्नई जोन है तो आपका चांसेस बन जाता है, चेन्नई जोन जो है लो कट ऑफ जोन आता है। प्रभात सिंह सिन्हा बोल रहे हैं यहाँ पे लेवल 3 में इनका 80+ आ रहा है, 1100 कैंडिडेट है, तब कैसे पॉसिबल है 80 से नीचे जाए कट ऑफ? ये भी तो देखिए लेवल 3 में 1100 है, ठीक है 1100 वैकेंसी क्या ये मैं देख लेता हूँ, चले लेवल 3 में 80+1100 कैंडिडेट है, तो ये हाँ वही मैंने बताया ना, लेवल 3 में 1100 कैंडिडेट है 80+ के, चलिए ठीक है मान के चलते हैं, लेकिन उनमें से कुछ जो लेवल 6 भी दिए होंगे, उनमें से कुछ लेवल 5 भी दिए होंगे, तो मान लीजिए कि 600 लोग जो है आपका 6 और 5 में गए होंगे, बैठे होंगे, 600 से ज़्यादा ही बैठ सकते हैं, 600 से कम भी बैठ सकते हैं, लेकिन मैं उम्मीद करूँ कि 600 से ज़्यादा लोग बैठे होंगे आपका लेवल 5 में और लेवल 6 में, तो लेवल 6 में कम माने जो लेवल 6 में सेलेक्ट होंगे वो लेवल 5 के लिए अप्लाई नहीं करेंगे, और जो लेवल 5 में सेलेक्ट करेंगे वो लेवल 3 पे नहीं आएंगे, तो ये भी तो देखिए इस हिसाब से क्या हो जाएगा आपका लेवल का कट ऑफ कम चला जाएगा, लेवल 3 का कट ऑफ जो होगा हमेशा कट ऑफ जाएगा 5 और 6 से कम ही रहेगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है RRB सिकंदराबाद लेवल 3 में 87 OBC रिजल्ट का क्या चांसेस है? तो आपका RRB सिकंदराबाद जोन है लेवल 3 में 87 आ रहा है, OBC है, तो आराम से चांसेस है कि आपका इतने नंबर पे हो जाएगा, बहुत अच्छा नंबर है आपका 87 हो जाएगा चांसेस, किशोर कुमार। नेक्स्ट है मीनाक्षी ये है, इनका लेवल 5 में 56 आ रहा है और L2 में 69 आ रहा है, कोई चांस है OBC बैंगलोर जोन? तो बहुत कम नंबर है, बहुत मुश्किल है इतना पे आपका चांसेस है, लेवल 2 में चांसेस बन सकता है, लेवल 5 में चांसेस बिल्कुल ही नहीं बनेगा, ठीक है लेवल 2 में चांसेस है कि आपको टाइपिंग कर देना चाहिए, लेवल 2 का कम रहेगा कट ऑफ। नेक्स्ट है लेवल 3 में 87 आ रहा है, बहुत अच्छा मार्क्स आ रहा है लेवल 3 में, फिर है लेवल 2 में 91 नंबर आ रहा है, ये भी बहुत अच्छा नंबर है, मुंबई जोन में है, OBC हाँ हो जाएगा जी, बिल्कुल हो जाएगा,
बिल्कुल मेरिट बनेगा आपका इतने अच्छे नंबर पे, इतने अच्छे नंबर पे नहीं बनेगा तो क्या 100 नंबर लाना पड़ेगा, बन जाएगा आराम से। नेक्स्ट है आरआरबी सिलीगुड़ी अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं, लेवल 3 में 79 है, क्या चांस है? पूरा चांस है, चांसेस बन सकता है, पूरा चांसेस है जी। वहाँ पे उतना कट ऑफ, उतना वहाँ पे क्या कहते हैं, वहाँ पे भीड़ नहीं है, तो इस हिसाब से आपका लो कट ऑफ जोन में आता है आरआरबी सिलीगुड़ी। दीपक बोल रहे हैं आरआरबी रांची है इनका, एसटी लेवल 2 में 72 आ रहा है, क्या टाइपिंग पास करने पर फाइनल मेरिट लिस्ट में आ सकता हूँ? हाँ बिल्कुल आ सकते हैं, टाइपिंग पास कीजिए आप फाइनल मेरिट लिस्ट में दिख सकते हैं। नेक्स्ट है राज सिन्हा है यहाँ पे, आरआरबी बैंगलोर है इनका, और यहाँ पे इन्होंने बोला है कि आरआरबी बैंगलोर से अनरिजर्व में आते हैं, तो लेवल 5 में 71 आ रहा है, लेवल 3 में 78 आ रहा है, लेवल 2 में 73 आ रहा है, कोई चांस है किस में? लेवल 6 और में 3 नंबर ही एक्स्ट्रा है कट ऑफ से, साइको में लगा हूँ। देखिए कट ऑफ कहाँ से निकाल दिया आप, कट ऑफ से वो लास्ट टाइम का कट ऑफ कोई मतलब नहीं होता है, तो लेवल 6 में आप अपना नंबर बताते तो अच्छा रहता, लेकिन इस आप मैं देखिए लेवल 6 में नंबर बताएगा उस हिसाब से मैं बताऊंगा, लेकिन लेवल 5, 3, 2 से मैं कह सकता हूं कि आपका लेवल 3 में और लेवल 2 में चांसेस बन सकता है, लेवल 5 का चांसेस बहुत ही कम बनेगा और लेवल 3 और 2 में आपका चांसेस बन सकता है, वो भी टाइपिंग कैटेगरी में जाएगा, टाइपिंग में जाएगा। ठीक है, तो टाइपिंग का आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, लेवल 6 में अगर चाहते हैं तो आप यही चीज़ आप मेरे को लेवल 2 के लिए भी लेवल 6 का बताइएगा कितना नंबर आ रहा है आपका। नेक्स्ट है राज सिन्हा ही बता रहे, ये तो वही वाला कमेंट हो गया सेम। नेक्स्ट है बॉबी जसवाल बोल रहे हैं सर मेरे आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 में लेवल 2 में 77 मार्क्स हैं आ रहे हैं, ओबीसी कैटेगरी अहमदाबाद, क्या करूँ सर, टाइपिंग क्या कर रहा हूँ, कोई चांस है? हाँ बॉबी जी आपका टाइपिंग में चांसेस है, बिल्कुल है, आपको टाइपिंग करना ही चाहिए, टाइपिंग में आपका हो सकता है। नेक्स्ट है यहाँ पे इनका है लेट्स चेक है आपका, लेवल 5 में 83 आ रहा है, बहुत अच्छा मार्क्स आ रहा है, लेवल 2 में 73 आ रहा है, ओबीसी कैटेगरी भोपाल जोन, लेवल 5 में हो सकता है चांसेस, लेवल 5 और लेवल 2 में चांसेस है कि आपका टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा, टाइपिंग आप प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट है एक्स सर्विसमैन का कट ऑफ क्या जाएगा, 50+ जाएगा, 50+ जाएगा एक्स सर्विसमैन का कट ऑफ। नेक्स्ट है चेन्नई ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में लेवल 2 में 52 आ रहा है, ईडब्ल्यूएस में 52 बहुत कम चांसेस है, इतने कम नंबर पर नहीं होगा, कम चांसेस है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, कम चांसेस है, लेकिन आप टाइपिंग कीजिए आप। नेक्स्ट है नव किशोर इलाहाबाद जोन लेवल 5 में 85 आ रहा है, लेवल 5 में 85 आ रहा है, बहुत अच्छा नंबर आ रहा है लेवल 5 में, लेवल 5 85 है, लेवल 3 85 है, लेवल 2 में 91 है, क्या कोई चांस है यूआर में है? हाँ जी बिल्कुल चांसेस है, आपका तीनों जोन में चांसेस, तीनों में लेवल में चांसेस है, लेवल 5 में भी है, लेवल 3 में भी, लेवल 2 में भी है, आपका चांसेस है। नेक्स्ट है पिंकी चौधरी है लेवल 5 में 83 भोपाल ईडब्ल्यूएस, टाइपिंग पोस्ट बिल्कुल मिलेगा, नॉन टाइपिंग भी मिल सकता है आपको, ठीक है नॉन टाइपिंग भी मिल सकता है। नेक्स्ट है निशांत कुमार चेन्नई जोन लेवल 3 का कट ऑफ बहुत हाई जाएगा, कम से कम यूआर का 85-90 जाएगा कंफर्म, ऐसे कैसे कंफर्म कर सकते हैं चेन्नई जोन, ये भी तो देखिए चेन्नई जोन कहाँ पे है, चेन्नई जोन में भीड़ नहीं है, चेन्नई जोन में कट ऑफ बहुत कम रहता है, आप ये तो देखिए ना आरआरबी, अब देखना है तो आरआरबी लेवल 6 का कट ऑफ देख लीजिए चेन्नई जोन का कितना कम गया है, तो ये बात आप देख सकते हैं कि चेन्नई जोन का कट ऑफ रहेगा जितना मैंने बताया उससे ज़्यादा नहीं जाएगा चेन्नई जोन में। ठीक है, तो चेन्नई जोन वाले आप बिल्कुल फ्री हो जाइए, आपका 85-90 तो बिल्कुल ही नहीं जाने वाला, खासकर चेन्नई जोन में, इसका आपका लेवल 6 का नहीं जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा चेन्नई जोन में वैकेंसी भी तो देखिए कितना ज़्यादा है वैकेंसी। नेक्स्ट है आपका एनटीपीसी सीबीटी 2 का बता दें, सीबीटी 2 में इनका लेवल 5 में 80 मार्क्स हैं, अच्छे मार्क्स हैं, अलाहाबाद जोन बोर्ड है, क्या नॉन टाइपिंग पोस्ट के लिए कोई चांसेस है? नॉन टाइपिंग लेवल देखिए लेवल 5 में नॉन टाइपिंग पोस्ट के लिए कोई चांसेस नहीं है। ठीक है, अगर चांसेस आपका लेवल 5 में टाइपिंग पोस्ट के लिए ही चांसेस है, ठीक है टाइपिंग पोस्ट के लिए चांसेस होगा, हाँ लेकिन आपको गुड्स कार्ड में पूरा चांसेस है, अगर आपका A2 मेडिकल स्टैंडर्ड फुलफिल करते हैं तो आपको गुड्स कार्ड में पूरा चांसेस है, क्योंकि आपको A2 मेडिकल आपको अगर फुलफिल रहता है तो आपको गुड्स कार्ड के लिए बुलाया जा सकता है। ठीक है, हाँ गुड्स कार्ड के लिए, क्योंकि गुड्स कार्ड का वैकेंसी बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। नेक्स्ट है मुंबई जोन लेवल 3 में 83 नंबर आ रहा है, एनी चांस? तो 83 नंबर आ रहा है मुंबई जोन से, हाँ चांसेस बन सकता है, ओबीसी में है आपका चांसेस बन जाएगा, पूरा चांसेस है आपका। नेक्स्ट है रॉकी शिवम, तो लेवल 2 में 86 आ रहा है, बहुत अच्छा मार्क्स आ रहा है, लेवल 3 में 87 आ रहा है, पूरा चांसेस है आप दोनों में हो जाएगा। ठीक है, कोलकाता जोन का आपको याद रखिएगा कि आपका जो लेवल 6 का कट ऑफ हाई जाएगा, लेवल 5 का कट ऑफ उससे कम जाएगा, और लेवल 3 का उससे कम, सबसे कम जाएगा लेवल 2 का, तो आपका नंबर तो उतना ही आ रहा है, अच्छा आ रहा है, तो आपका चांसेस है। जितेंद्र सिंह आपका लेवल 3 में 95 आ रहा है, ओबीसी मुंबई जोन, पूरा चांसेस है, पूरा 100% चांसेस है, 95 पे नहीं होगा तो और किसका होगा जी बताइए। नेक्स्ट है
लेवल टू का 87 आ रहा है अनरिजर्व फाइनल सेक्शन, हाँ जी लेवल टू में हो जाएगा 87 पे अनरिजर्व में हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा सिकंदराबाद जोन में। नेक्स्ट है हमारा अनरिजर्व सोनू कुमार है यहाँ पे अनरिजर्व में, लेवल टू चंडीगढ़ 82 आ रहा है, क्या मेरिट बन पाएगी अनरिजर्व में लेवल टू में चंडीगढ़? हाँ बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा, चंडीगढ़ में बन जाएगा, वहाँ भी बहुत ज़्यादा वैकेंसी है और इसलिए लेवल टू का कट ऑफ बहुत कम जाएगा वहाँ पे भी। अरूप मंडल जो बोल रहे हैं इसमें सीनियर टीटी का पोस्ट है क्या? टिकट कमर्शियल कह सकते हैं, टीटी का तो पोस्ट यहाँ पे नहीं है, टीटी का नहीं है वो, लेकिन हाँ दे सकता है आपको वो भी काम के लिए दे सकता है, टीटी भी बना सकता है, हाँ बना सकता है वो भी पोस्ट है, लेकिन सर जो है ना कमर्शियल में सारा सीनियर कमर्शियल में मिक्स कर दिया गया है आपको, तो सारे वैकेंसी को जो टीटी वाला पोस्ट था जो भी वैकेंसी है उन सबको मर्ज कर दिया गया है और सीनियर कमर्शियल अलग से निकाल दिया गया है पोस्ट। नेक्स्ट है भाई जानकारी रख लो, जानकारी है सर मेरे पास बहुत सारी जानकारी है और मेरे फ्रेंड्स भी आपके रेलवे में काम करते हैं तो वहाँ से भी कुछ कुछ पूछता रहता हूँ और फ्रेंड जोन भी है तो वहाँ से भी आपको जानकारी मिल जाता है कि क्या कट ऑफ रहेगा, और अच्छे लेवल के भी फ्रेंड हैं जिनका नंबर अच्छे आते हैं, जिनका नंबर कम आते हैं वो भी है, तो उस हिसाब से आपको एवरेज मान के दे सकता हूँ जानकारी। नेक्स्ट है हमारे राकेश कुमार अलाहाबाद जोन से हैं, CBT मार्क्स 80 है, लेवल 5 नॉन टाइपिंग पोस्ट मिलने का चांसेस क्या? तो नॉन टाइपिंग पोस्ट के लिए हाँ गुड गार्ड मिल जाएगा आपको, अगर आपका A2 मेडिकल आपको फुलफिल हो रहा था आपको गुड गार्ड मिलने का चांसेस है अलाहाबाद जोन से। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे प्रदीप प्रसाद, सर माय स्कोर 81 है लेवल 5 में बैंगलोर जोन से, चांसेस है गुड्स कार्ड टेल मी द ट्रुथ? हाँ जी देखिए गुड्स कार्ड का नाकल आपके जोन में, गुड्स कार्ड का 500 प्लस वैकेंसी है, गुड्स कार्ड का अकेला 500 से ऊपर वैकेंसी है और आपका मेडिकल स्टैंडर्ड A2 आपका फुलफिल करते हैं तब आपका पूरी तरह से चांसेस है, अगर आपका 2000 भी वैकेंसी है अगर आप मेडिकल स्टैंडर्ड A2 नहीं फॉलो करते हैं A2 में नहीं आते तो आपका कोई चांसेस नहीं है, तो ये भी देखिए आपको आपके क्या हो जाएगा, अगर आपका 500 से 600 प्लस वैकेंसी है 500 प्लस वैकेंसी है गुड्स कार्ड में तो आपका चांसेस है A2 मेडिकल स्टैंडर्ड में, A2 मेडिकल भी है तो आपका 81 नंबर पे आपका गुड्स कार्ड हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे बोल रहे महेश SSJS, तो ये इनका चेन्नई जोन से है, SC में आते हैं, लेवल 3 में 73 है, चांसेस है हाँ जी पूरा चांसेस है DV का, चेन्नई जोन में बहुत ज़्यादा वैकेंसी है, मैंने बनाया भी है चेन्नई जोन में देख लीजिएगा और वहाँ से अगर नंबर आ रहा है तो आपका चांसेस है। अंकित प्रताप जो है EWS चेन्नई, इनका भी EWS है, 68 नंबर आ रहा है, फाइनल हो सकता है क्या? देखिए लेवल 5 में 68 नंबर आ रहा है, EWS कैटेगरी है तो चांसेस थोड़ा सा कम तो कह सकते हैं, लेकिन चेन्नई जोन है तो हो सकता है, लेकिन कहेंगे कि आपका गुड्स कार्ट में चांसेस बहुत कम हो सकता है, चांसेस कम हो सकता है यहाँ पे गुड्स कार्ट में, लेकिन वही आपको A2 मेडिकल स्टैंड होगा तो चांसेस बन सकता है, लेकिन आपको टाइपिंग कोर्स के लिए बुलाया जाएगा। नेक्स्ट है हमारे रवि तेजा, माई लेवल पाँच में 76 आ रहा है, लेवल 2 में 85 आ रहा है, OBC कैटेगरी है, कौन सी कैटेगरी है ये भी बताइए, कौन सा जोन है, जोन सिकंदराबाद पता चल गया, कैटेगरी बता देते तो अच्छा रहता, जनरल कैटेगरी में इतना नंबर पे नहीं होगा, ठीक है जनरल कैटेगरी में इतना नंबर पे नहीं होगा, लेवल 2 में हो जाएगा जनरल कैटेगरी का। नेक्स्ट है नीतीश कुमार जो बोल रहे हैं लेवल 3 में 92 नंबर आ रहा है OBC, क्या संभव है भाई? हाँ जी बिल्कुल संभव है, 92 नंबर पर नहीं होगा तो कितने नंबर पर होगा यार, ये भी तो सोचो कि नंबर भी तो देखो कौन सा कितना नंबर आ रहा है, 92 नंबर बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट है अराबी अलाहाबाद लेवल 5 79, तो लेवल 5 79 तभी पॉसिबल है आपका, देखिए यहाँ पर आपका देखने से भी लग रहा है कि चश्मा पहने हुए, तो गुड्स कार्ड हटा दीजिए ASM हटा दीजिए, तो ये दोनों वैकेंसी आपके लिए नहीं होगा, हाँ लेकिन आपको ये वाला पोस्ट मिल जाएगा, टाइपिंग वाला पोस्ट मिल सकता है। नेक्स्ट है पता कुछ नहीं और आंसर ऐसे दे रहे हैं जैसे अरबी के चेयरमैन हो, भगवान भला करे बेचारों का, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आप मत सुनिए, तो इसके क्या रिप्लाई दे, कुछ नहीं रिप्लाई दे सकते मित्र। नेक्स्ट है हमारे सर सारे लेवल का टाइपिंग एक बार ही होगा? हाँ जी बिल्कुल होगा, एक ही बार में होगा टाइपिंग का, अगर एक ही बार में होगा तो आपके जोन वाइज तो लेगा ही, ऐसा थोड़ी है आपका इसमें भी करेगा, क्या लेना सबको तो वो लेना है, क्या कहते हैं 10-10 मिनट का टाइपिंग होगा, बहुत लोगों को एक ही बार में हो जाएगा, दो चार दिन में कंप्लीट हो जाएगा। सर सिलीगुड़ी L3 EWS 75 आ रहा है, चांसेस फॉर लेवल 3? हाँ जी चांसेस है लेवल 3 के लिए, EWS में 75 आ रहा है कम थोड़ी है, अच्छा नंबर आ रहा है। नेक्स्ट है हमारा कौन है आपके विशाल सिंह, RRB रांची से है, लेवल 5 में 86 आ रहा है, बहुत अच्छा नंबर आ रहा है आपका और यहाँ पे आपको जो है नॉन टाइपिंग पोस्ट मिलने का चांसेस है क्योंकि रांची जोन में आपका वैकेंसी काफ़ी अच्छी है। फिर यहाँ पे सैकत हती है, यहाँ पे कोलकाता जोन से है,
अनरिजर्व कैटेगरी में लेवल 2 है, स्कोर 78 आ रहा है, चांसेस है, पूरा चांसेस है, क्योंकि लेवल 2 का कट ऑफ 75 से 75 के आसपास या 75 से कम रहने का चांसेस है। नेक्स्ट है एंटरटेनमेंट बोल रहे हैं, भैया जी एग्ज़ाम का टफनेस लेवल वाइज अलग अलग था, कट ऑफ डिफरेंट होगा, मानता हूँ कट ऑफ डिफरेंट होगा, लेकिन जो आपका दिए देखिए कि लेवल 2 का कट ऑफ सबसे कम रहेगा, क्योंकि लेवल 2 को सबको लास्ट में प्रेफरेंस दिया है, तो इस हिसाब से आपका कट ऑफ जो है लेवल 2 का बहुत कम रहेगा। नेक्स्ट है आपका रणधीर राणा है, लेवल 5 बेंगलुरु जोन से हैं और 89 नंबर आ रहा है, और क्या नॉन टाइपिंग में चांसेस है? हाँ जी, नॉन टाइपिंग में इतने नंबर पर चांसेस मिल जाएगा आपको, नॉन टाइपिंग में हाँ गुड्स ग्राफ मिल जाएगा, आराम से मिल जाएगा लेवल 5 में, अगर गुड्स ग्राफ अगर A2 मेडिकल स्टैंडर्ड है तो आपको मिल जाएगा, अगर आपका A2 स्टैंडर्ड फुलफिल नहीं करता है तो आपको टाइपिंग पोस्ट के लिए बुलाया जाएगा, लेकिन टाइपिंग क्वालिफाई कर लीजिएगा। शांता कुमार है, यहाँ पे लेवल 3 में आपका आ रहा है, 77 नंबर आ रहा है, बैंगलोर रीजन है, OBC से है, हाँ हो जाएगा सिलेक्शन होने का चांसेस है, लेवल 3 में कट ऑफ इसी के आसपास रहेगा, 77 नंबर के आसपास। और हमारा आज का लास्ट जो है आपका कट ऑफ सानी अभिषेक नहीं संजय मौर्य है, ब्रदर एक सर्विसमैन अनरिजर्व RRB अहमदाबाद में, लेवल 3 में कितने नंबर हैं? लेवल 3 में 59 नंबर आ रहे हैं, कैटेगरी एक सर्विसमैन है, हाँ जी हो जाएगा, एक सर्विसमैन 50 प्लस ही जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं जा सकता है, कितने होते हैं एक सर्विसमैन। नेक्स्ट है सानी अभिषेक, सर मेरा सिकंदराबाद जोन से लेवल 5, 2, 3 में 78, लेवल 5 में 78 आ रहा है, लेवल 2 में 80 आ रहा है, लेवल 3 में 76 आ रहा है, इतना नंबर है, प्लीज़ हमें सजेस्ट करें कि मेरा रिजल्ट होने का क्या चांसेस है। आपका सिकंदराबाद जोन है लेवल 5 में अच्छे खासे, वहाँ पे सिकंदराबाद में क्या है आपका 3000 के आसपास वैकेंसी है, 3000 प्लस वहाँ पे वैकेंसी है, तो इसलिए चांसेस है आपका इतने नंबर पे, आपका चांसेस है कि हो जाएगा, टाइपिंग पे भी होगा, नॉन टाइपिंग लेवल 3 में नॉन टाइपिंग पोस्ट के लिए भी होगा, लेवल 2 के भी नॉन टाइपिंग पोस्ट पे आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारे जो भी आपका, अगर आपको और कोई डाउट होता है ना तो आप हमसे जरूर आप विज़िट कीजिए, जरूर आप कीजिएगा, तो आपको रिप्लाई इसी फॉर्म में आपको मिल जाएगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू, जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।